फन का मोतबर, जब कोयटा एक्सप्रेस छुक छुक करती गुजरती तो ऐन उसी वक्त एक शख्स अपनी साइकिल पर पैडल मारता हुआ सेंट मेरी स्कूल की तरफ चल पड़ता। साइकिल के मौजद ने साइकिल यकीनन सफ़र को तेज़तर करने के लिए ईजाद की होगी, पर इस शख्सियत ने साइकिल को भी आहिस्ता आहिस्ता चलने की आदत डाल दी थी कि वो इस बेज़बान को भी खरामा खरामा का चलन देना चाहता था। यूपी से वारिद हुए पर सिंध की तहजीब, सकाफत और इल्म व फ़न में यूं रच बस गए गोया सिंध के कदीम बाशिंदे हों। सिंधी शेर व अदब के फहम में यकता हैं, शाहजू रिसालों के उर्दू तर्जुमे और तदवीन में शेख अयाज से कमतर हिस्सा नहीं, पर मौसूफ़ की ज़बान पर हर्फ इजहार कभी ना आ सका। लेकिन अहबाब मुकर्रब सब जानते हैं, हजरत के वजूद पर नज़र डालिए तो साहिब मौसूफ का जिस्म मिनारे इस्तखां, कद लांबा, रंगत सांवली न काली, बदन छरेरा, छरेरे बदन पर सियाह अचकन, लंबूतरे चेहरे पर दो आँखें और दोनों आँखों पर एक चश्मा, मुअल्लिम, शायर, दानिश्वर और मुहक्किक, इब्तदाई क़याम व मस्कनों परवरिश इल्म व अदब, सखर कदीम नज़्द लाहौर, कोयटा रेलवे ट्रैक, क़याम सानी, मीरपुर खास, बसिलसिला मुअल्लिमी और बाद अज़ इख्तिताम मुद्दत मुआश, इनफ़िरादी क़याम, आखिरो जाए अहतमाम, रख्त सफ़र, अरूसुल बलाद, कराची, बाद अज़ मर्गे ज़ौजा अव्वल, अक़्द सानी और सिलसिला इरतबात लासानी। हज़रत आफाक सिद्दीकी शायर ना होते तो क्लासिकल मौसीकार ज़रूर होते, कि अहद जवानी व जौलानी में तरन्नुम के साथ मुशायरे पढ़ते थे और ढेर सारी दाद वसूल करते थे। अब तक बेशुमार शायरों की इसलाह के सजावार हो चुके हैं और ये मशक्क़त अभी तक तवाना है। मशक़ अफजाइश शोरा इकराम में हनूज मुलव्विस हैं, लेकिन एहतसाब की दस्तरस से अब तक महफूज हैं कि अक्सर मुफ्तियाने शेर व अदब व अरबाब इल्म व फ़न आफाक सिद्दीकी के मुरीदीन में शामिल हैं।